हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की, और बच्चों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने कुछ कंसेप्ट कवर किए थे। आपको मैं बता देता हूँ कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, सबसे पहला मेथड मैंने बताया था आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ओके, तो हमने देखा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। इसे हमने कहा था ये फॉर्मेट वन है, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मेट नंबर वन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया फॉर्मेट नंबर टू। फॉर्मेट नंबर टू में मैंने ये कहा कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन फंक्शन ए एक्स प्लस बी होगा, मतलब एक्स की पावर वन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसे क्या सपोज करना है, जो आपका लीनियर टर्म है उसे टी सपोज करेंगे और डी एक्स को डी टी से रिप्लेस करेंगे। मतलब जो आपका पूरा फंक्शन इस प्रकार से था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये रिप्लेस होकर के बन जाएगा एफ ऑफ टी और डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है, इट मींस वन बाई ए बन जाता है। ओके, तो ये आपके पास फंक्शन इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये फॉर्मेट नंबर टू भी हमने कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट नंबर थ्री। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट नंबर थ्री। तो फॉर्मेट नंबर थ्री कैसे होता है आपको दिखाई देगा। देखिए, उसके कई फॉर्म हैं। फॉर्मेट नंबर थ्री में जो आपके पास फंक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा। जैसे कोई फंक्शन आपके पास में है, एफ एक्स है, और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा, मतलब एक सीधा फंक्शन और बाजू में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। इस तरीके से आपको कोई फंक्शन दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मेन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसे टी सपोज करना है। ओके, मतलब एक तरीके से मैं इस फॉर्मेट को क्या बोलता हूं, इस फॉर्मेट को मैं बोलता हूं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये फॉर्मेट नंबर थ्री जो है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। इसका शॉर्ट ट्रिक का नाम है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये है इस शॉर्ट ट्रिक का नाम। तो निगाहें का मतलब क्या है, निगाहें का मतलब है एफ एक्स, और निशाना का मतलब क्या है, निशाना का मतलब एफ डैश एक्स। मतलब निगाहें मतलब एफ एक्स, आपका फंक्शन एफ एक्स है, और निशाना आपका क्या है, एफ डैश, ये है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपके पास यदि कोई फंक्शन है जिसमें आपको ओरिजिनल फंक्शन भी दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन है एफ एक्स है उसको आपको क्या सपोज करना है, उसको आपको टी सपोज करना है। आप इसको टी सपोज करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म करना है लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डी एक्स, ये फंक्शन है आपके पास। सो आई इक्वल्स टू क्या बन गया, ये लॉग एक्स, और साथ ही साथ अपॉन एक्स को आप वन बाई एक्स लिखें। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। आपको क्लियर है कि अगर आपके पास एफ एक्स लॉग एक्स होता है तो इसका जो डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स वो कितना बनता है, वन अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स आप क्या सपोज कर लेंगे, लॉग एक्स को टी सपोज कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, लॉग एक्स को टी सपोज करना है। तो लिखेंगे लेट टी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि डी टी लाना है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स।
तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए है? आपको चाहिए है डीएक्स की वैल्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो जो वन बाई एक्स डी एक्स है एज अ कंप्लीट, वो क्या बन गया अपने पास में, डी टी बन गया। क्लियर है? तो लॉग एक्स तो टी है और ये हमारे पास बन गया डी टी। तो फंक्शन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू आपने क्या ले ली है, टी ले ली है, और वन अपॉन एक्स डी एक्स आपने क्या बना लिया है, डी टी बना लिया। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल हो चुका है, एल्जेब्रिक बन चुका है। तो टी की पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, सो नॉर्मल फार्मूला टी की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस सी। सो आंसर आ गया टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब फंक्शन में टी की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स थी। सो ये बन जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, लॉग स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते बेटा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर ही होगा। ये साइन एक्स जैसा नहीं है कि जैसे आपने साइन एक्स के होल स्क्वायर को आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, इसमें ऐसा नहीं चलेगा, है ना? तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। जैसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो आई इक्वल्स टू, देखिए इसे हम क्या देख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स, और ये जो बाजू में है इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। आप सब जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का इधर बैठा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है। तो जिस चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है उस पर नज़र यानी निगाहें रखिए, उसको टी मान लीजिए। तो लिखेंगे लेट टी इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स। ओके, सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या बनाना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स को ले आइए, तो डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ से i इक्वल्स टू क्या बन गया फंक्शन हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स हमारे पास t है, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरा का जो पूरा टर्म है इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस होल इज dt। तो ये बन गया dt। सो आंसर कितना आ गया, t स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सो वन बाई टू अलग कर लीजिए, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। सो ये हो गया बच्चों आंसर इसका। क्लियर है बच्चों? यस सर, जरूरी है कि उसी का डेरिवेटिव दिया हो, एक तभी तो ये मेथड लगेगा बेटा, उसी का डेरिवेटिव ही होगा। अगर से किसी और का कुछ टुकड़ा दिया होगा। क्लियर? यस सर, अभी फॉर्मेट लगेगा बेटा, इसका नाम ही है फॉर्मेट का मैंने बनाया है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निगाहें मतलब fx और निशाना मतलब f(x)। क्लियर? यस सर। चलिए पढ़ते हैं फॉर्मेट नंबर 4। फॉर्मेट नंबर 4 की ट्रिक है, नीचे दुकान ऊपर पकवान। अब आप ये कहेंगे ये क्या है सर, नीचे दुकान ऊपर पकवान। नीचे दुकान का मतलब, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई देगा, आपको डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपको एफ एक्स दिखाई देगा, दुकान में एफ एक्स बैठा होगा। बट जो पकवान है वो आपको ऊपर मिलेगा, मतलब कि एफ डैश एक्स। यस, तो नीचे दुकान ऊपर पकवान का मतलब यही है, नीचे एफ एक्स है ऊपर आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एफ एक्स को
डी बना लेना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में एफ एक्स को आप डी सपोज कर लेंगे, क्लियर, तो अपने आप ही फिर सॉल्व होता चला जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेट आई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये देखिए कॉट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करने को यहाँ पे बोला गया बच्चों, तो आप लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिए क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कि नहीं होता, बताइए। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो yes, है, sir. क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। यस सर। मतलब नीचे अपने पास में एफ एक्स साइन एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ये कौन सी फॉर्मेट हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, नीचे दुकान ऊपर पकवान। तो मैंने क्या बताया, नीचे वाले फंक्शन को आप टी ले लीजिए, ओके। तो आपने टी इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, क्लियर। यस सर। कॉस एक्स के साथ डी एक्स को ले लिया, सो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब जो कॉस एक्स डी एक्स है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। सो दिस इज डी टी अपॉन डी। तो हम कहाँ तक आ गए, हम आ चुके हैं आई इज इक्वल्स टू डी टी बाई टी। यदि डी टी बाई टी आपको अभी भी नहीं दिखाई दिया तो अब देख लीजिए, अब दिखाई देगा, वन अपॉन टी डी टी। आप जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट करिए, लॉग टी की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स। तो आंसर आ गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, सर कॉट का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? कॉट का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, कौन सी मेथड से? मतलब उसको वन अपॉन टेन एक्स लिख देते फिर। तो बात तो आएगा तो वही ना, टेन को फिर साइन अपॉन कॉस करोगे तो कॉस अपॉन साइन ही बन जाएगा। नहीं मतलब इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता कॉट का? इसको यदि आपको डायरेक्ट याद करना है तो भी आपको यही याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली यूज भी होगा। आई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स ही यूज होगा, क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर। अगर आप याद भी करेंगे तो लॉग साइन एक्स ही यूज करेंगे। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर कॉट एक्स को हम वन अपॉन टेन एक्स ले लें, तो ये देखिए आप टेन एक्स को टी नहीं ले सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप टी ले लें, वहाँ पे काम चल जाता था। टी लेंगे तो फिर ऊपर क्या होगा, कुछ तो है सर नहीं फिर उसका इसको सपोर्ट करने वाला। टेन इनवर्स एक्स कर देते, फिर टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पुट कर देते तो। बेटा टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन टेन एक्स, पहली चीज टेन इनवर्स एक्स नहीं होता है, वन अपॉन टेन एक्स जो होता है वो कॉट एक्स होता है, ठीक है ना। हाँ टेन इनवर्स होता नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन फिर से वापस चला जाएगा। और आपको याद होना चाहिए आपको टेन इनवर्स एक्स का, आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग रखिए, इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा किसी चीज़ का जब आपको उसके फॉर्मेट पता हो, बिना फॉर्मेट के आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एनी प्रॉब्लम? नो सर, बट सर इनवर्स का मतलब तो अपॉन ही होता है ना? नहीं, इनवर्स का मतलब अपॉन नहीं होता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या है। देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स ये दोनों अलग चीज है। साइन एक्स इनवर्स मतलब कि वन अपॉन साइन एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स मतलब होता है कोसेक एक्स, ये अलग बात है। और साइन इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स फंक्शन किसका, साइन का, अपने आप में एक नया फंक्शन है, अपने आप में एक नया फंक्शन है, ये फंक्शन ही अलग है। ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों का काम अलग है, कैसे अलग है, जैसे आप यदि आपके पास में कुछ एंगल दिए गए हैं, देखिए ये साइन चलेगा, तो कुछ एंगल आपके पास में दिए गए हैं लाइक 0 डिग्री,
तो 0 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 0। तो किस फंक्शन से मिलेगी? साइन 0 इक्वल टू 0, साइन फंक्शन से। तो 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2। बट यदि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको उल्टा फंक्शन यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, तो साइन फंक्शन क्या देता है? साइन फंक्शन एंगल को वैल्यू में बदलता है। जो साइन फंक्शन होता है वो एंगल लेकर के क्या प्रोड्यूस करता है? वैल्यू प्रोड्यूस करता है। और जो इनवर्स फंक्शन होता है वो वैल्यू लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एंगल प्रोड्यूस करता है। बोली, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो दोनों फंक्शन ही अपने आप में अलग है। मुझे सर स्क्वायर स्क्वायर जैसा लगा था, जैसे स्क्वायर को ले लेते हैं ना पैसा। हाँ, नहीं, वो अलग चीज है। वो बात अब समझ गया मैं कि आपने कहा सर साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। हाँ, वहाँ पे ये चीज सही है। बट यदि आप ये कहे कि साइन थीटा का इनवर्स जो है वो क्या साइन इनवर्स थीटा बन जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना सर, स्क्वायर की जगह अगर क्यूब होता तो? हाँ, तो क्यूब भी बन जाएगा क्योंकि वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पे लग रहा है, बट ये इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अगर आप पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम जो मॉड लगाते हैं वो अपने मन से कहीं भी लगा सकते हैं ना, किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव देखिए, करने के लॉग लिए? जो होता है एज अ इनपुट हमेशा लॉग पॉजिटिव लेता लॉग है। नहीं सर, तो लॉग के केस में मॉड। आप मॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपका कोई भी आंसर आ रहा है, जैसे लॉग साइन एक्स आ रहा है, तो मोर बेटर है आप अपने आंसर को लिखें लॉग ऑफ मोड साइन एक्स, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर? यस सर, मतलब सर जहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो वहाँ मॉड लगा सकते हैं ना? एग्जैक्टली, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पे आप मॉड लगा सकते हैं। यस सर, ठीक है ना। तो जैसे ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स ही लिखा जाएगा सही तरीके से, क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, पॉजिटिव ही लेगा। क्लियर? और सर अगर कॉस साइन की जगह कॉस होता तो भी मॉड लगता? तो भी मॉड लगाइए, लॉग का कोई भी इनपुट होगा मॉड लगाएंगे। ओके, यस सर, यस सर। देखिए, तो दो फॉर्मेट आपके हो गए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और दूसरा नीचे दुकान ऊपर पकवान। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सर वन क्वेश्चन और है एक। सर लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल, लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए, एक्चुअली y इज इक्वल टू log x एक फंक्शन है जिसका बेस e है ना। तो अगर आप यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू log e बेस 1, तो log 1 कितना आता है? 0 आता है। तो 1 पर log का आउटपुट 0 मिलता है, 1 के आगे log की वैल्यू बढ़ती जाती है और 1 के पीछे log की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है। ये ग्राफ है बेटा लॉग एक्स का, ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर? हाँ, तो बेटा ये ग्राफ है वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस पे एक्स का। अगर लॉग की वैल्यू 1 से कम है, बेस में जो एक्स है अगर 1 से कम आएगा तो लॉग आपका नेगेटिव आउटपुट देगा, अदरवाइज लॉग आपका पॉजिटिव आउटपुट देगा। एनी प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है हमें टेन एक्स का, टेन एक्स का डी एक्स। देखिए कैसे करेंगे। तो टेन एक्स को सबसे पहले हम देखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए नीचे डिफरेंशिएशन है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे सर माइनस तो नहीं बैठा हुआ है, केवल प्लस बैठा हुआ है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, माइनस का कोई दिक्कत नहीं होता है, माइनस का और कोफिशियंट का उसका पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो वो आ जाएगा अपने आप। तो कुल मिलाकर के कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो हमें नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? वही लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी,
इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस साइन एक्स। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है साइन एक्स डी एक्स, ये देखिए इतना हिस्सा, तो यहां से साइन एक्स और यहां पे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई कितनी माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है टी है, तो बन गया माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी टी बाई टी, तो ये बन गया माइनस लॉग टी। ठीक है, तो माइनस लॉग टी वैल्यू पुट करिए, तो माइनस लॉग टी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी मैंने क्या लिया है कॉस एक्स को, तो आप टी के स्थान पे यहाँ पे कॉस एक्स पुट कर दें, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो लॉग कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स आ गया। अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि पहले तो यही आंसर सही है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, एम लॉग एन इक्वल टू लॉग एन की पावर एम, मतलब ये जो आगे होता है इसको पावर में भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस आगे है, माइनस मतलब माइनस वन, मैथ्स में किसी भी चीज़ का माइनस मतलब माइनस वन लॉग कॉस एक्स, तो लॉग कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन ऊपर चला गया यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस वन मीन्स लॉग वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन जो बनेगा क्या बनेगा लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा लॉग सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग सेक एक्स, मॉड लगा दीजिए क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज लॉग सेक एक्स प्लस सी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमें जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसमें मेनली हमारे पास यही फॉर्मेट है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड हैं, एक तो टी रूल वाले बेस्ड हैं जो मैंने कल बताया था, और दूसरा ये है कि किसी को डिफरेंशिएशन ले लीजिए तो ऊपर आपको उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्स क्यूब साइन इनवर्स साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आप देखिए इसका डेरिवेशन जो है ये बैठा हुआ है, यदि आप टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखिए डी टी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं होगा, और फिर एक्स की पावर 4 का भी करोगे तो कितना आ जाएगा 4x³, तो ये कितना बन गया मेरे पास 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x³ अकेले चाहिए है, तो मैं 4 को नीचे भेज सकता हूँ, तो x³ ऊपर रखा डी एक्स यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो ये क्या बन जाएगा डी टी बाई 3, सॉरी डी टी बाई 4, तो मतलब जहां पे भी इंटीग्रेशन होगा फाइनली क्या आएगा आपके पास में डी टी बाई 4, तो साइन टी डी टी अपॉन 4, तो 1/4 बाहर आ गया है। चलिए ज़्यादा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्लियर है, तो पहले आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं और एग्जाम्पल लगाने के बाद में फिर ये क्वेश्चन आपको लगाना है, मतलब ट्रिक का नाम है आज का कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उसमें आपको यदि किसी क्वेश्चन में फंक्शन दिखाई दे और दूसरा एफ डैश एक्स दिखाई दे या इसका कुछ हिस्सा, जरूरी नहीं कि पूरा एफ डैश एक्स, अगर इसका कुछ हिस्सा भी दिख जाए तो भी आपको एफ एक्स को टी सपोज करना है, बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस।